एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपके पार्टनर के हवाले से रीडिंग है कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में इस टाइम। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट एंड हेवन ड्रीम टैरोट। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस के हवाले से। सो लेट मी डेट हियर, व्हाट आर योर पर्सन्स ट्रू इंटेंट, सॉरी, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके हवाले से। एरीज के पार्टनर एरीज के हवाले से क्या सोच रहे हैं, एरीज पार्टनर व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट एरीज, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट एरीज, एरीज पार्टनर क्या वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, सो यहाँ पर सन कार है फॉर यू। सो वो अपनी हैप्पीनेस पे वर्कआउट करना चाहते हैं, वो उनको लगता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं। अगर आपको ऐसा हैप्पीनेस नहीं फील कर रहे इस वक्त तो ये ज़रूर फील कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में हैप्पीनेस ले के आ सकते हैं। आपकी वजह से है उनकी लाइफ में हैप्पीनेस, या फिर वो आपके साथ जितना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं या कर रहे थे वो उन लम्हात को याद कर सकते हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, डेफिनेटली टू ऑफ कप, तो वो आपको एज अ लव पार्टनर बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है, तो वो आपको लव पार्टनर के तौर पर बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। सॉरी, यहाँ पे लाइटिंग है तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लें अगर पॉसिबल है तो। सो वो आपको अपनी लाइफ की हैप्पीनेस समझते हैं और वो आपको अपना ट्रू सोल पार्टनर भी समझते हैं। सो यही सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त। अगर वो सोच रहे हैं तो वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ की ट्रू हैप्पीनेस हैं, और वो आपके साथ अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी भी देखते हैं और उन्हें ये स्टेबिलिटी मिल रही है। सो वो आपके साथ स्टेबिलिटी भी अपनी लाइफ की देखते हैं, और हो सकता है वो कमिटमेंट के हवाले से सोच रहे हो आपके, क्योंकि वो आप में अपनी हैप्पीनेस देखते हैं। यस, वो सेकंड चांस चाहते हैं। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो वो आप सेकंड चांस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। और अगर यहाँ पर हो सकता है इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों की रहती हो अपने पार्टनर के साथ, तो वो हमेशा से स्टक ही रहेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो अपनी लाइफ की हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी वो आपके साथ देखते हैं, और उनको जस्ट हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी ही नज़र नहीं आती, उन्हें इस कनेक्शन में एक सोल कनेक्शन भी फील होता है। वो समझते हैं कि आप उनके सोल कनेक्शन हैं, तो इसलिए वो इसमें स्टक रहना चाहते हैं। अभी भी वो यही सोच रहे हैं सेकेंड चांस के हवाले से, कमिटमेंट के हवाले से वो उनकी थॉट्स यही हैं अभी भी। तो वो डेफिनेटली आपको, और हो सकता है करेंटली उन्होंने अपने अंदर एक नई मोहब्बत भी फील करना शुरू कर दियो टूवर्ड्स यू, तो वो दैट्स वाई वो कमिटमेंट के हवाले से भी सोच रहे हैं, और अगेन वो इस रिलेशनशिप में चांस लेने के हवाले से सोच रहे हैं। सो आउटकम ले लेते हैं डेफिनेटली। इस बार वो एक एम्परर की तरह डिसीजन लेंगे और वो एक एम्परर की तरह आगे बढ़ेंगे। कोई भी ऐसा हो सकता है, पहले वो किसी और के डिसीजंस पे बेस करते थे, लेकिन उनके डिसीजन किसी और के डिसीजंस पे बेस करते थे, लेकिन अब उनका डिसीजन जो है वो अपने होगा और वो अपने तौर पर ही डिसीजन लेंगे। और हो सकता है वो थोड़े से इगोइस्टिक भी हों, लेकिन यहाँ पर वो एक एम्परर की तरह अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हो सकता है थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम उनके साथ है, बट वो भी मुझे यहाँ पर इतनी नज़र नहीं आ रही। So that was your reading, Aries. If it resonates you, please let me confirm in a comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.